रहे हैं PTNI न्यूज चैनल। रजिस्ट्रेशन करवाया था। अच्छा, ऑनलाइन? ऑनलाइन। किस चीज के लिए? अप्रेंटिस के लिए। अच्छा, किस लिए गए वहाँ पर? अप्रेंटिस के लिए। अच्छा, अप्रेंटिस के लिए? लेटर के लिए। अच्छा, लेटर लेने के लिए। फिर क्या हुआ? पैसे जमा करे। अच्छा, पैसे किसने जमा करे? नंदकिशोर सर ने। अच्छा, नंदकिशोर सर ने पैसे लिए आपसे? कितने पैसे लिए? 5000 रुपये। किस लिए लिए वो? कंपनी में ज्वाइनिंग कराने के लिए। जनपद अमरोहा से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कंपनियों में अप्रेंटिस कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से की जा रही अवैध वसूली। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में गवर्नमेंट ITI कॉलेज में स्टोर डिपार्टमेंट में कार्यरत कर्मचारी व अन्य टीचर अभ्यर्थियों से कंपनियों में अप्रेंटिस कराने के नाम पर सालों से कर रहे अवैध वसूली। बता दें कि जनपद अमरोहा के गवर्नमेंट ITI कॉलेज में स्टोर डिपार्टमेंट में कार्यरत सरकारी कर्मचारी व अन्य स्टाफ के लोग कंपनियों में अप्रेंटिस कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से 5 से 10 हज़ार रुपये की अवैध वसूली कर रहे हैं। गौरतलब हो कि कोरोना वैश्विक महामारी ने सबकी कमर तोड़ दी है। हर एक इंसान अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लाचार और मजबूर है। उसके बावजूद भी गरीब, मजदूर और कमजोर बाप का बेटा रोजगार पाने के लिए शिक्षा में पैसे खर्च करता है और फिर किसी कंपनी में रोजगार पाने के लिए दर दर भटकता है। फिर भी उसको कहीं रोजगार नहीं मिल पाता, और अगर कहीं मिलता भी है तो जनपद में बैठे सरकारी ठेकेदार और भ्रष्ट लोग उस गरीब मजदूर किसान के बेटे से रिश्वत के रूप में 10,000 रुपए तक लेते हैं, जब जाकर उसको किसी कंपनी में 1 साल के लिए अप्रेंटिस पर रखवाते हैं, जबकि सरकार इसी कार्य को करने के लिए ITI कॉलेज में कार्यरत कर्मचारियों को लाखों रुपए का वेतन तक देती है। उसके बाद भी इन सरकारी नौकरों की भूख नहीं मिटती है और गरीब किसान के बच्चों को सताते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें पैसे लाने के लिए मजबूर तक करते हैं, नहीं तो उन्हें अप्रेंटिस पर ना रखने के लिए दुत्कार कर भगा देते हैं। एक तरफ तो सरकार भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ सरकारी नौकर ही भ्रष्टाचार कर सरकार के कार्यों में सेंध लगा रहे हैं। रिपोर्ट PTNI न्यूज, ब्यूरो जनपद अमरोहा, उत्तर प्रदेश। अगर कितने आदमी में ले लिए होंगे पैसे, इन्होंने पैसे को ले दिए हैं। वही कहता है कि 5,000 रुपये करेगा। आपका जो ITI अप्रेंटिस से संबंधित शिकायत है, क्या है, क्या मामला है? सर, हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था ऑनलाइन। ऑनलाइन? अच्छा, फिर कॉलेज में गए हैं। अच्छा, कॉलेज में कहाँ गए आप? अमरोहा। अमरोहा कौन से कॉलेज में? राजकीय ITI कॉलेज। अच्छा, राजकीय ITI कॉलेज अमरोहा गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? सर, लेटर लिखवाया। अच्छा, लेटर लिखवाया। किसने लिखा लेटर? नंदकिशोर जी ने। अच्छा, नंदकिशोर जी ने लेटर लिखा, किस लिए? कंपनी में। अच्छा, ज्वाइनिंग के लिए। फिर उसके बाद? पैसे लिए। अच्छा, उन्होंने पैसे लिए आपसे लेटर लिखने के? कितने रुपये लिए आप? 5,000 रुपये। अच्छा, 5,000 रुपये लिए। फिर क्या कहा था उन्होंने कि ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी? अच्छा, ज्वाइनिंग हो जाएगी। हम फिर कंपनी में गए आप? हाँ। अच्छा, फिर क्या बोला कंपनी वालों ने? कंपनी वालों ने बोला कि अभी नहीं होगा। अच्छा, अभी नहीं होगा, जबकि इन्होंने, क्या नाम है उनका जिन्होंने पैसे लिए आपसे ITI कॉलेज में? असलम अली। असलम अली ने? और किसने लिए? अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? कंपनी कंपनी ने मना कर दिया। अच्छा, बताएंगे। अच्छा, उन्होंने कितने रुपए लिए? 5,000 रुपये। अच्छा, उनके साथ कोई और भी है पैसे लेने वाले? अच्छा, उन्होंने पैसे लिए। अच्छा, आपने जो 5,000 रुपये असलम जी को दिए हैं, तो पैसे लेने के लिए उनसे किसने बोला था? नंदकिशोर जी ने बोला। अच्छा, नंदकिशोर जी ने बोला था। नंदकिशोर जी कहाँ रहते हैं? अच्छा, ITI कॉलेज में ही है, अधिकारी है कोई वहाँ पर? अच्छा, फिर भी आपका काम नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ। क्या चाहते क्या चाहते हो आप? अप्रेंटिस करना चाहते हैं। अप्रेंटिस करना चाहते हैं।